तो लास्ट क्लास में हमने दो एग्जांपल्स किए थे बायलैटरल रिलीफ के बारे में, और उन दोनों में क्वेश्चन खुद ही बता देता है आपको करना क्या है। मतलब हमको कोई एक्स्ट्रा एस सच दिमाग नहीं लगाना, क्वेश्चन खुद ही बता करके रखता है कि हमको करना क्या है। और एक क्वेश्चन हमने किया था, जब दोनों के बीच में अगर कोई ऐसा पॉइंट हो डिफरेंस का तो कौन प्रिवेल करेगा, उसके बारे में हमने बात करी थी। एक फोर्थ हम कर चुके हैं और फिफ्थ, ये दो क्वेश्चंस अपन कर चुके हैं बायलेटरल रिलीफ के, यही है। बायलेटरल रिलीफ में और भी छोटे मोटे टॉपिक्स होते हैं जिसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे एंड के अंदर, टैक्स स्पेयरिंग वगैरह ऐसे टॉपिक्स जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी देख लेंगे क्योंकि स्टडी मैट में थोड़ा बहुत दे रखा है। आज जो अपन बात करने वाले हैं वो जो दूसरी रिलीफ है, यूनिलेटरल रिलीफ, उसकी बात करेंगे। यूनिलेटरल रिलीफ जो है वो सेक्शन 91 में दी गई है। सेक्शन 90 में बायलेटरल रिलीफ है, आपको कभी भी सेक्शन लिखना हो तो 90 लिखोगे बायलेटरल का, और यूनिलेटरल का कभी लिखना हो तो 91 लिखेंगे। तो यूनिलेटरल रिलीफ वन साइडेड रिलीफ होती है। यूनिलेटरल रिलीफ कब दी जाती है, इसके बारे में हम बात भी कर रहे थे। कब देते हैं यूनिलेटरल रिलीफ, जब कोई DTAA नहीं होता है। When there is no DTAA, between two countries, तो यूनिलेटरल रिलीफ दी जाती है। यूनिलेटरल रिलीफ कौन सी कंट्री देती है, होम कंट्री या रेसिडेंस कंट्री? होम, या फिर जैसे हम रेजिडेंस कंट्री भी बोल सकते हैं, वो अलाउ करती है। यूनिलेटरल रिलीफ इतनी आवाज कौन कर रहा है? ये कोई चलो टाइम खराब होगा नहीं तो। यूनिलेटरल रिलीफ DTAA नहीं है तो उस सिचुएशन में दी जाएगी, होम या रेसिडेंस कंट्री यूनिलेटरल रिलीफ देती है। अब कैसे देती है पहले उसको समझेंगे, अपने को कुछ नोट नहीं करना, उसकी स्टेप्स फिर नोट करेंगे। देखिए, एक पर्सन ने सपोज करिए कि कोई इनकम अर्न करी इंडिया में, ये रेसिडेंट है इंडिया का, यूनिलेटरल रिलीफ की बात ही तब आएगी जब वो पर्सन इंडिया का रेजिडेंट होगा, क्योंकि
क्योंकि हम इंडियन पर्सन की इनकम पे टैक्स निकाल रहे हैं, तो वो पर्सन होगा तो इंडिया का ही रेजिडेंट। अब इसने कोई इनकम अर्न करी 10 लाख की, अब क्या हुआ कि ये यूएसए गया और यूएसए में भी इसने इनकम अर्न करी, वहां पर इनकम अर्न कर ली 5 लाख रुपीज की और टैक्स उस पर लग गया 10% का वहां पर, और इंडिया यूएसए के बीच में कोई डीटीडब्ल्यूए नहीं है सपोज करिए, तो अब इस सिचुएशन में हम क्या करें? यूनिलेटरल रिलीफ दी जाएगी और वैसे भी क्वेश्चन लिख भी देगा कि देर इज नो डीटीडब्ल्यूए बिटवीन दीज टू कंट्रीज। तो इसमें स्टेप्स क्या फॉलो करनी है? सबसे पहला काम तो आप करेंगे इंडियन एंड फॉरेन इनकम को इंक्लूड करके टैक्स निकालेंगे। तो सबसे पहला काम तो क्या करना है, हमको फर्स्ट वर्क करना है, टैक्स निकालना है ऑन टोटल इनकम, और टोटल इनकम में क्या क्या लेंगे, इंडियन प्लस फॉरेन दोनों लेंगे। सपोज करिए कि अगर इसी एग्जाम्पल पे हम इसको अप्लाई करें तो इनकम है 15 लाख, तो हम टैक्स कैलकुलेट करिए 15 लाख पे कितना आएगा, टू सिक्सटी टू फाइव हंड्रेड ये टैक्स बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद में सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, एवरेज टैक्स रेट निकालनी है इंडिया में क्या टैक्स रेट बनी। तो अगर हम इंडिया की टैक्स रेट देखें तो 260 टू 500 का टैक्स बन रहा है 15 लाख रुपीस पर, तो वो सब ऐड करके कितना आ रहा है, 2 लाख 73। टू लैख 73,000 का टैक्स बन रहा है 15 लाख पे, तो परसेंटेज वाइज निकाले तो इफेक्टिव टैक्स रेट क्या आई, 18.2%। अब रिलीफ कैसे दी जाती है, देखिए रिलीफ दी जाती है कि एक तो आपको चाहिए डबल टैक्सड इनकम, ऐसी इनकम जिस पर डबल बार टैक्स लग रहा है, और डबल टैक्सड इनकम कौन सी होती है, फॉरेन की। बट डबल टैक्स वर्ड यूज क्यों करा, फॉरेन इनकम नहीं बोलेंगे, ध्यान रखिए ऑलवेज क्या वर्ड यूज करेंगे, डबल टैक्सड इनकम। सपोज करो फॉरेन से उसने 5 लाख कमाए, उसमें से 1 लाख उसका वहां एग्जम्प्ट था, तो क्या यहां उस 1 लाख पे हमको देनी चाहिए कोई रिलीफ, नहीं देनी चाहिए, डबल टैक्सड पर देंगे, जिस इनकम पर यहां भी टैक्स लग गया और यहां भी लग गया, ओनली उसी इनकम पर रिलीफ दी जाती है। तो हमें डबल टैक्सड इनकम लेनी है, फिर हमें इसे मल्टीप्लाई करना है किस चीज से, एवरेज टैक्स रेट और फॉरेन टैक्स रेट में से जो भी लोअर हो उससे। तो यहां पर हम देखें डबल टैक्सड इनकम इज 5 लाख रुपीज, मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट पॉइंट तो एवरेज टैक्स रेट इट्स 18.2% एंड फॉरेन टैक्स रेट इज 10%, लोअर क्या है 10%, तो इस 5 लाख का हम 10% करेंगे तो ये 50,000 आएगा। इस 50,000 को हम बोल सकते हैं दिस इज द रिलीफ अंडर सेक्शन 91, यूनिलेटरल रिलीफ। हमारा टैक्स एक्चुअल में कितना बन रहा है, 273, नेक्स्ट स्टेप में वो 50,000 की रिलीफ दे देंगे, तो टैक्स कितना बन गया, 2,73,000 माइनस 50,000, 2,23,000, ये टैक्स आ गया बस। तो इसमें ध्यान क्या रखना है, यूनिलेटरल रिलीफ कितनी दी जाती है, डबल टैक्सड इनकम को मल्टीप्लाई करा जाता है इंडियन टैक्स रेट, एवरेज टैक्स रेट और फॉरेन टैक्स रेट क्या बन रही है, दोनों में से जो भी लोअर होगा, डबल टैक्स इनकम मल्टीप्लाई विच एवर इज लोअर परसेंटेज से, बस इससे रिलीफ निकल जाएगी। अब इसमें क्या होगा, छोटे छोटे आगे पॉइंट्स आएंगे, इनमें डिडक्शंस का रोल भी आएगा, ये जो हमको टैक्स निकालना है ना ये हमारे लिए न्यू होगा, ये 15 लाख हमको डायरेक्ट नहीं देगा, ये 15 लाख निकालना पड़ेगा, ये न्यू हो सकता है। तो हमारे लिए जो भी न्यू होगा वो क्या होगा, ये
इसमें थोड़ा बहुत न्यू आ सकता है, या फिर फॉरेन इनकम आपको ऐसे डायरेक्टली ना दे, फॉरेन की इनकम एंड टैक्स दे दे, तो टैक्स रेट हम बना सकते हैं फॉरेन की, या फॉरेन इनकम और फिर उस पर कटा हुआ टीडीएस दे दे, तो भी टैक्स रेट बना सकते हैं कि इतना टीडीएस कटा इतने की इनकम पर। तो इन्फॉर्मेशन देने के तरीके बदल जाएंगे, कंसेप्ट कोई नया नहीं आएगा, कंसेप्ट इतना सही है इसका, और कुछ है ही नहीं ज्यादा इसके अंदर। तो अभी इसकी स्टेप्स नोट कर लेते हैं अपन कि यूनिलैटरल रिलीफ की स्टेप्स क्या है, फिर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस काफी सारे हैं इसके, उनको करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को। यहां से आप नोट कर सकते हैं इसमें। हाँ लिख तो कुछ भी सकते हैं, जब दो लोग मिलके बना रहे हैं तो कुछ भी लिख सकते हैं, बट जनरल सेंस क्या होगा? जनरल सेंस बाहर वाली कंट्री बोलेगी तुम्हारा रेजिडेंट तुम दो ना, हम क्यों दे? करने में ऐसा भी कर सकते हैं, बोले 10% आप ले लेना, 10 हम ले ले। DTAA कोई कैसे भी बना सकता है, उसकी कोई ऐसे फिक्स वो नहीं है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारी क्या बन गई है कि हमें टैक्स निकालना है किस पे, टोटल इनकम पर, और टोटल इनकम में हमें इंडियन एज वेल एज फॉरेन दोनों इनकम लेनी है, देन उस पर टैक्स निकाला, आफ्टर कैलकुलेटिंग टैक्स हमें एवरेज टैक्स रेट निकाल लेनी है, फिर उसके बाद में रेट एट विच टैक्स इज पेड इन फॉरेन कंट्री वो फाइंड आउट करो। कई बार हो सकता है ये टैक्स रेट ना दे तो निकालनी पड़ेगी टैक्स का अमाउंट और इनकम देख के, देन दोनों में से जो भी कम होगा वो हमारी रिलीफ का परसेंटेज होगा, फिर रिलीफ कैलकुलेट कर देंगे, फॉरेन इनकम जिसको अपन एक्चुअल में डबल टैक्स इनकम बोलेंगे और लोअर रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, और देन फाइनली टैक्स निकल जाएगा। एग्जाम्स के अंदर ये DTAA जो है 100% आता है, एंड ये 10 to 15 मार्क्स का आ सकता है, अभी 14 मार्क्स का आया है रिसेंटली, तो बहुत ज्यादा चांस है कि 14 का नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी आए। और कौन सा आएगा, जितना आपने पढ़ लिया, कंसेप्ट तो आपने पढ़ लिया, अब एग्जाम्पल अलग अलग टाइप के हो सकते हैं जो हमें प्रैक्टिस करने हैं।
हो गया ये सभी का, फिर अपन एग्जाम्पल्स करते हैं। अब जब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो इसमें कुछ डिडक्शन के सेक्शन काम आएंगे। ये कुछ डिडक्शन के सेक्शंस आपको रिकॉल होने चाहिए, अगर नहीं है तो एक बार जाके घर पे और भी पढ़ना। ATCA, इसमें लाइफ इंश्योरेंस का डिडक्शन आता था हमारा, और इसके अलावा बहुत सारे डिडक्शन थे, चाहे होम लोन के प्रिंसिपल रीपेमेंट का बात करें, PPF में डिपॉजिट कराते थे उसका बात करें, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का बात करें, सुकन्या समृद्धि योजना, ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशन थे। ATC काम आएगा बहुत। ATD जो है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर कोई कराता है तो उससे रिलेटेड था, तो इसको आप नेक्स्ट क्लास से पहले और भी पढ़े घर जाके। क्वेश्चंस के बीच में आएंगे ठीक है, बट इनकी नॉलेज थोड़ी सी और आपने इंटर में पढ़ाई है, बस एक बार रिकॉल होना चाहिए। ATTTA के अंदर सेविंग बैंक अकाउंट में आप जो डिपॉजिट कराते हैं उस पर इंटरेस्ट जो मिलता है आपको वो आता है, तो इंटरेस्ट आता है इसके अंदर। ठीक है, इंटरेस्ट पहले अदर सोर्स में इनकम बनता है, देन उसके बाद डिडक्शन मिल जाता है। TTB में सेम है बट सीनियर सिटीजन के लिए होता है, अगर आपको बैंक अकाउंट डिपॉजिट पे कोई इंटरेस्ट अर्न हो रहा है तो उसकी डिडक्शन ATTTB के अंदर मिलती है। ATQQB जो है ये काफी ज्यादा आता है, रॉयल्टी ऑन बुक, तो अगर आपने कोई बुक लिखी है बट बुक शुड बी इन द नेचर ऑफ आर्टिस्टिक लिटरेसी नेचर, कोई ऐसी नॉर्मल बुक लिखेंगे तो ATQQB नहीं मिलता है। 3 लाख रुपीज का डिडक्शन मिलता था ATQQB में, ये आपको पता होना चाहिए। ATRRB में भी रॉयल्टी का ही डिडक्शन है, बट ATQQB फॉर रॉयल्टी ऑन बुक एंड ये रॉयल्टी ऑन पेटेंट, ये थोड़ा सा डिफरेंस था। तो ये सेक्शंस आ सकते हैं बीच में कहीं कहीं पर, सबसे ज्यादा ATQQB और ATC आएंगे, ये 2 सेक्शन सबसे ज्यादा आने वाले। स्टेप्स अभी की कंप्लीट हो गई है, बताइए। हाँ, ATQQB RRB में 3 लाख हो गया ये सभी का, तो अपन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्लास से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में, तो क्वेश्चन अपना आ रहा है नेक्स्ट 6, बड़ा ही छोटा और आसान सा क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिस के लिए पहले ये छोटे आसान क्वेश्चन को करते हैं। देखिए यहां पर क्या बोला गया है, मिस्टर सहा रेजिडेंट है इंडिया में, हैज डिराइव फॉलोइंग इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर, क्या क्या इनकम अर्न करी इन्होंने, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन अर्न कराया 3,74,000 का, उसके बाद में रॉयल्टी ऑन बुक्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री वाई 5 लाख की रॉयल्टी इनकम अर्न करिए, इसमें है 3 लाख इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन ATQQB, इसमें से 3 लाख के लिए डिडक्शन मिल जाएगा आपको ATQQB के अंदर, तो 5 + 3 नेट 2 लाख रुपीज की इनकम टैक्सेबल होगी। टैक्स पेड फॉरेन कंट्री में 20% किया है। कंप्यूट इंडियन टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द एसएससी अज्यूमिंग दैट इंडिया डज नॉट हैव एनी एग्रीमेंट विथ कंट्री वाई, सामने वाली कंट्री के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है, इससे पता चलता है यूनिलेटरल रिलीफ होगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। असेसी का नाम है मिस्टर सहा, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर ATQQB 2024-25।
सबसे पहले हम देखें तो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन है 3,74,000, हम ओल्ड टैक्स रिजाइम का ही यूज करेंगे टैक्स कैलकुलेशन के लिए। एग्जाम में डिपेंड करता है, जो क्वेश्चन बोले वो वाली यूज करनी है, कुछ ना बोले तो हमें न्यू टैक्स रिजाइम लगानी है। रॉयल्टी ऑन बुक्स, रॉयल्टी इनकम वैसे कौन से हेड में आती है बताइए, इसका कौन सा हेड है? अदर सोर्सेज में आती है। अच्छा, रॉयल्टी इनकम को अर्न करने के लिए अगर कोई एक्सपेंस होते तो वो यहीं हम लेस कर देते, एक्सपेंस होते तो, बट यहां कोई एक्सपेंस नहीं है तो यही सिर्फ इनकम दे रखी है। इसका टोटल करेंगे तो ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी। ग्रॉस टोटल इनकम 8,74,000 आ गई। नॉर्मल टैक्स निकालिए कितना आ रहा है, कितना है? अच्छा, डिडक्शन नहीं थी, डिडक्शन 3 लाख की इसमें एक है वो देनी पड़ेगी। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80QQB, थ्री लाख रुपीज क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है एलिजिबल है। तो इसके बाद में हमारी निकल जाएगी टोटल इनकम। टैक्स कितना आ रहा है? 5 लाख तक का तो 12,500, और फिर 74,000 का 20% कितना हुआ? 27,300। अब हम इसमें ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, कितना आएगा? 1,092। टोटल टैक्स, अब इसमें से हमको डिडक्ट करनी होगी रिलीफ। जब रिलीफ लेस कर देंगे तो टैक्स पेबल आएगा। रिलीफ के लिए हम बना देते हैं वर्किंग नोट। कैलकुलेशन ऑफ रिलीफ अंडर सेक्शन 91। पहले पॉइंट में तो एवरेज टैक्स रेट देख लेते हैं क्या है। सो टैक्स 28,392 का बना है। ध्यान रखना टोटल इनकम से डिवाइड होता है, कई बार ग्रॉस से कर देते हो। जो टैक्स निकला है वो इसी पे तो निकला है, जिससे निकला है उसी से डिवाइड होगा। 5,74,000 पर कितना परसेंटेज आया? 4.95%। सेकेंड वन इज फॉरेन टैक्स रेट। तो फॉरेन में जो टैक्स रेट थी वो क्वेश्चन ने दी थी कितनी? 20%।
लीस्ट 4.95% हो गई, रिलीफ अंडर सेक्शन 91। डबल टैक्स्ड इनकम वो होती है जिस पे फॉरेन में भी टैक्स लगा और इंडिया में भी लगा, दोनों जगह लगा। कितनी है डबल टैक्स्ड इनकम? डबल टैक्स्ड इनकम कितनी है? 2 लाख। अब सर सपोज करिए यहां पर 80QQ की जगह 80C का डिडक्शन होता, तो एक कंफ्यूजन हमारे माइंड में आता है, वो डिडक्शन फॉरेन इनकम में से लेस किया किया हुआ अज्यूम करते हैं इंडियन में से, वो इंडियन में से ही करेंगे। यहां इसी में से डिडक्शन क्यों लेस किया हुआ मान रहे हैं? क्योंकि सच डिडक्शन डायरेक्ट रिलेट टू सच इनकम, इसी इनकम से रिलेटेड है वो। बट अगर कोई जनरल डिडक्शन होता तो हम फिर उसको इंडियन इनकम में से कंसिडर करते हैं। तो रिलीफ के लिए हमको डबल टैक्स इनकम चाहिए जो कि 2 लाख रुपीज है और उसका 4.95%। कितना आएगा? डबल टैक्स इनकम रॉयल्टी माइनस डिडक्शन, तो रॉयल्टी थी 5 लाख और ये था 3 लाख का डिडक्शन। तो ये 2 लाख आ गई थी। तो डबल टैक्स इनकम के लिए ध्यान रखें कि डबल टैक्स इनकम में हम गलती कर सकते हैं ड्यू टू डिडक्शन। इफ एनी डिडक्शन डायरेक्टली रिलेट टू ए फॉरेन इनकम, तो हमने इसलिए यहां लेस कर दिया। अब 80QQB की जगह 80C होता तो मैं डबल टैक्स इनकम में 5 लाख ही लेता, क्योंकि वो डिडक्शन जो है पहले जनरल डिडक्शन इंडियन इनकम में से दिए हुए माने जाएंगे। तो हमारी जो रिलीफ आई है वो 9,900 रुपीज आ गई है। टैक्स पेबल कितना आ गया? कितना? 18,492। यू कैन राउंड ऑफ इट एज वेल, अंडर सेक्शन 288B 18,490 आ जाएगा। ऑनलाइन में सभी लोग बताइएगा क्या आपको ये क्लियर है, कैसे निकाला गया है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हो गया ये सभी का? किसी का रहा हो तो बता दे, कोई पॉइंट नहीं आ रहा हो इसमें। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। अब हम करते हैं, यही कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अरविंद एक टेक्सटाइल मर्चेंट है, रेसिडेंट इंडियन है, इज डूइंग बिजनेस। देर मे बी सर्टेन केसेस जहां पर आपको हो सकता है रेसिडेंशियल स्टेटस भी निकालना पड़ जाए। आपसे क्वेश्चन ऐसे ही बना सकता है, डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अरविंद, देन डिटरमाइन हिज टैक्सेबल इनकम। तो वहां रेजिडेंशियल स्टेटस काम में भी आ सकता है, वही 182 60+365। तो हिज डूइंग बिजनेस इन इंडिया एंड अब्रॉड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, उसकी जो इनकम है वो ये रही, इंडिया में बिजनेस से 27 लाख रुपीज अर्न करें, कंट्री ए में जिसके साथ इंडिया का कोई DTAA नहीं है 15 लाख रुपीज वहां से अर्न करे, इनकम टैक्स लेवीड उस कंट्री में 5 लाख रुपीज का टैक्स दे दिया इन्होंने, लॉस फ्रॉम बिजनेस इन कंट्री बी विथ विच ऑल्सो इंडिया डज नॉट हैव एग्रीमेंट फॉर अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन। कंट्री बी के अंदर 4 लाख का लॉस कर लिया, पीपीएफ में पैसा डाला, ATC में डिडक्शन मिल जाएगी, पेमेंट ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन द लाइफ ऑफ हिज फादर एंड मदर, कहां मिलेगी डिडक्शन? ATD में पक्का है? कहां डिडक्शन मिलता है बताओ? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ फादर एंड मदर।
कहीं नहीं मिलता, इसकी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। हेल्थ इंश्योरेंस की मिलती है, लाइफ की नहीं मिलती। ठीक है, यहां पर लाइफ इंश्योरेंस बोला है। हेल्थ इंश्योरेंस होता तो 80D में मिलती है, 80C में लाइफ इंश्योरेंस की मिलती है, बट इट इज फॉर सेल्फ स्पाउस एंड चिल्ड्रन, पेरेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन 80C लाइफ इंश्योरेंस। और 80D हेल्थ इंश्योरेंस में सेल्फ स्पाउस, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स बोथ आर इंक्लूडेड, सो इसकी कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी इस वाले पार्ट की। चलिए अब कैलकुलेट करते हैं इस। सारे क्वेश्चंस आपको नोटबुक में करने हैं, ऐसा नहीं क्वेश्चन बुक में आंसर है तो वहीं से देख लिया आपने, वो आपकी हेल्प के लिए है, ताकि आपको कभी डाउट आए तो आप वहीं से देख ले। सबसे पहले दे रखा है इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया, ₹27 लाख। नेक्स्ट वन इज इनकम फ्रॉम बिजनेस इन कंट्री ए, तो कंट्री ए से अर्न करा है ₹15 लाख। ऑलवेज ग्रॉस इनकम टैक्सेबल होती है। सपोज करिए 15 लाख में से ऐसा बोल देता 5 लाख का TDS डिडक्टेड है, तो आप 20 लाख लेते। इट मीन्स विदाउट डिडक्टिंग TDS इनकम टैक्सेबल होती है। यहाँ TDS नहीं दे रखा है ऐसा कोई भी, बट बाई चांस अगर दे रखा होता तो हम वैसा करते। मतलब आपको टोटल इनकम लेनी है ग्रॉस विदाउट डिडक्टिंग एनीथिंग, फिर उसमें से एक्सपेंस वगैरह लेस होते हैं वो ठीक है। इसी तरीके से एक और इनकम है कंट्री बी से, तो ये सारी इनकम को कंसिडर करने के बाद में, और कोई इनकम है ही नहीं, तो ये आ जाएगी हमारी ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम निकाल ली कितनी आई है, 38 लाख। इसमें से हम दे देंगे डिडक्शन, अंडर सेक्शन 80C। अब जैसे ये एक जनरल डिडक्शन है, अब ये किस में से अज्यूम करेंगे, दिया हुआ इंडियन इनकम में से अज्यूम करेंगे, अंटिल अनलेस अमाउंट ही बहुत ज्यादा ना हो जाए। सपोज करिए अब डिडक्शन के अमाउंट ही, जबकि होते नहीं इतना, 20 लाख बन रहा है, 30 लाख बन रहा है, इसके भी क्रॉस हो गया, तो ऑब्वियसली इंडियन के बाद उसमें से दिया होगा, बट ऐसा केस मिलता नहीं है। तो यहां पर 1,50,000 PPF में एड ऑन की है, तो उसका डिडक्शन यहां मिल रहा है। इसके बाद में हमारी टोटल इनकम निकल करके आ जाएगी, ₹36,50,000। टैक्स निकाल लीजिए इस पे,
कितना टैक्स आया? नौ लाख। इसमें हम ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, नाइन लाख। इसमें से हम देंगे रिलीफ अंडर सेक्शन 91, देन टैक्स पेबल निकलेगा। रिलीफ देने के लिए बना देंगे वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ रिलीफ अंडर सेक्शन 91। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, फर्स्ट इज एवरेज टैक्स रेट। सो 943,800 का टैक्स बना है, 36,50,000 पर कितना परसेंटेज आ गया? 2nd इज फॉरेन टैक्स रेट। अब देखिए यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात ध्यान से सुनिएगा, आगे काम आएगा। यहां एक कंट्री में इनकम है, एक में लॉस है। दोनों ही कंट्री में इनकम होती तो 15 लाख यहां होता, 4 लाख यहां होता, तो रिलीफ दो बार निकलती। अब सपोज करिए यहां फॉरेन टैक्स रेट ले रहे हैं, तो यहां दो दो फॉरेन टैक्स रेट थोड़ी ले सकते। सपोज करो कंट्री ए में 20% है, यहां 15 होती तो इफ देर आर मोर देन वन कंट्री देन देर विल बी मोर देन वन रिलीफ। उस सिचुएशन में ये कंट्री ए के लिए देन कंट्री बी के लिए, लेकिन ये टैक्स रेट तो सेम ही रहेगी, बट फॉरेन कंट्री की टैक्स रेट चेंज हो जाएगी। तो अब उसी कंट्री की डबल टैक्स इनकम लेके लीस्ट वाली रेट से मल्टीप्लाई होगा, देन कंट्री बी की डबल टैक्स इनकम लेके लीस्ट वाले से मल्टीप्लाई होगा। ऐसे वाले क्वेश्चन भी आएंगे, बट यहां इसमें लॉस है तो ऐसी सिचुएशन आ नहीं रही है। तो फॉरेन टैक्स रेट कितनी है? टैक्स रेट निकालनी पड़ेगी आई थिंक। 5 लाख का टैक्स बना है 15 लाख पे, थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट। तो जो लीस्ट है दैट इज 25.86%। अब हम निकालते हैं रिलीफ अंडर सेक्शन 91। इसके लिए हमें डबल टैक्स इनकम चाहिए होगी, डबल टैक्स इनकम। ये रिलीफ जो हम निकाल रहे हैं वो कंट्री ए के लिए निकाल रहे हैं। कंट्री ए के लिए डबल टैक्स इनकम देखते हैं, तो कंट्री ए से जो इनकम अर्न हुई है वो 15 लाख है। कंट्री ए में से क्या कोई डिडक्शन मिला है? नहीं सर, ये लॉस सेट ऑफ हुआ था ना, ये कौन सी इनकम में से अज्यूम करे? इंडियन से ही करेंगे। फॉरेन वाली इनकम को आपस में जब तक स्पेसिफिकली ना लिख दे कंट्री ए का इनकम कंट्री बी के लॉस के साथ सेट ऑफ हो गई है, देन हम डबल टैक्स इनकम क्या लेते हैं, फिर डबल टैक्स इनकम कम हो जाती, बट यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कंट्री ए की इनकम 15 लाख है, कोई डिडक्शन जो 1,50,000 ये भी इसमें से नहीं हो सकता, वो सब इंडियन में से ही मानते हैं। तो डबल टैक्स इनकम इज 15 लाख रुपीज, कुछ स्पेशल नहीं है, बट आगे जाकर के इसमें भी स्पेशल चीजें आ सकती है। एंड लोअर रेट है 25.86%।
टैक्स पेबल निकाल दीजिए, सभी लोग यहां तक कंप्लीट कर लें, ऑनलाइन मुझे बताएं कि क्या आपको ये क्लियर है क्या। 555 900, इसमें किसी का कोई डाउट हो तो बताइए मुझे। ऑनलाइन में सभी लोग बताइएगा। अभी कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। नाइन आप कर लेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा आपसे। थर्टीन आप कर सकते हैं, नाइन के बाद थर्टीन, फोर्टीन आपको कर लेना है। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन भी कर लेंगे तो चलेगा। नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस कर लेंगे, क्वेश्चंस ही करने, फिर ये DTAA वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। और भी अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस करेंगे अभी। चलिए आज हम करेंगे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और आगे के क्वेश्चंस को करेंगे।